फूंक देखते हो ना क्रिकेट में जो बॉल फेंकता है जानता है कि अगर हम बॉल पटकेंगे तो जहाँ पटकेंगे वहाँ घर्षण लगेगा, चर पचर थूकते रहता है सर वहाँ पे, अकेले थूकता है, ये थोड़ी कहेगा कि सबको कहेगा पचर पचर चढ़ा देते हैं। ये इसमें चढ़ी हुई है, किसी भी चीज को फिसलने नहीं देता है, दो लेयर होते हैं, ये बाहर वाला अच्छा से घूमता है, इसके बीच में छर्रा लगा होता है, बेयरिंग लगे होते हैं, कभी कभी ये घिस जाता है ना तो अच्छे से आपका साइकिल का चक्का नहीं घूम पाता है, ये पंखे में भी लगा होता है, मोटर में भी लगा होता है, दुनिया का कोई भी चीज जहाँ घूमने की कोई चीज होगी वहाँ ये बेयरिंग जरूर लगा रहेगा, क्योंकि ये बेयरिंग किसी चीज को सरकने नहीं देता है बल्कि लौटने देता है। तो जब हमें फ्रिक्शन कम करना है तो एक चीज का ये ध्यान जरूर रखना है कि हम क्या करें, सर भी घर्षण को लौटनी घर्षण में बदल दे, और किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते समय क्या मारता है, पाउडर छिड़क देता है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, पाउडर का ही काम करता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक तरह का पाउडर, पेंसिल का जो नोक होता है ग्रेफाइट, कभी पेंसिल को ना आप क्या करिएगा दीवार पे से रगड़िएगा, उसके बाद उसको छुइएगा, इतना चिकना हो जाता है पेंसिल का, अगर आप कहीं पेंसिल खूब अच्छा से तो फिसलेगा लेकिन पूरा कैरम बोर्ड में काला हो जाएगा, कैरम बोर्ड का कर्म फूट जाएगा, इसलिए कैरम बोर्ड में ग्रेफाइट अच्छा होने के बावजूद उसमें हम पाउडर का प्रयोग करते हैं, उसकी लाइनिंग ना मिटे, स्नेहक, स्नेहक मतलब क्या होता है, लुब्रिकेंट, स्नेहक मतलब समझते हैं ना किसी की चीज को चिकना कर देना, लुब्रिकेंट का काम कर देना, लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, लिविर लिविर पदार्थ, आप देखेंगे लिविर लिविर पदार्थ, पहले तो चोर होते थे, अब तो डकैत हो गया, बंदूक देखा के ले लेता है, चोरी करने जाता था ना तो हाफ पैंट पहन के जाता था, पूरे शरीर में तेल लगाया रहता था, अगर कोई चोर को पकड़ लिया ना इतना ना उस पर तेल रहता था कि उस सरका के भाग जाता था, क्योंकि उसको स्लिप हो जाता था फ्रिक्शन के बाद, थूक थूक देखते हो ना क्रिकेट में जो बॉल फेंकता है जानता है कि अगर हम बॉल पटकेंगे तो जहां पटकेंगे वहां घर्षण लगेगा, घर्षण स्पीड को घटा देता है, तब कैसे कहेगा गेंदवा तेज जाए तो उसको क्या करेगा, थूक लेगा, इसे फर्श से थूक के खेखार होकर थूक देगा और उसको लपेट देगा, उसको लपेटने के बाद जब बॉल पटकेगा ना बॉल जैसे गिरेगा स्ट्राइक से चला जाएगा और बोल्ड हो जाएगा, क्रिकेट आउट हो जाता है, देखते हो पचर पचर थूकते रहता है वहां पे, अकेले थूकता है, थोड़ी कहेगा कि सबको कहेगा और क्या हो सकता है, घर्षण का बर्फ, आइस पर आप चल ही नहीं पाते क्योंकि आपको पता है कि आपको फ्रिक्शन रहना जरूरी है, आइस पे नहीं चल पाते, कीचड़, कीचड़ पर नहीं चल पाते, केला बचपन में आपने पाया होगा, चौबे जी ने केला खाया, केला खा के मुंह भिज गया, छिलके को सड़क पर गिरा, ऐसे करके से केला का छिलका उसको पैर रखिएगा ना तो फ्रिक्शन कम होता है, मारने का पलट देगा, शेप भी मायने रखता है, किसी भी चीज का शेप कैसा है, किस डिजाइन का है उस पर भी वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन, जैसे हम आपको दिखाते हैं, सपोज कीजिए कोई छड़ है, आप घर बनवाने जा रहे हैं, देखिए छड़ खरीदने जाएंगे तो आपको कभी भी छड़ मिलेगा तो इसी शेप में मिलते हैं, इसमें फ्रिक्शन देखिए ज्यादा हो जाएगा और ये आपके सीमेंट मसाला वगैरह को अच्छे से पकड़ लेता है, ये छड़ वगैरह, तो आप क्या देख सकते हैं कभी भी किसी चीज का शेप जो होता है, शेप उसका आकार वो भी डिपेंड कर देता है कि किस तरह से फ्रिक्शन होगा या कैसे नहीं होगा, तो ये कई चीजें मायने रखते हैं, आकार जिसे क्या कहा जाता है आकार, ये भी मायने रखता है, आप एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ देखिए एक रॉड है जिसे पकड़ के आपको लटकना है, यहाँ एक रॉड बना दिया, ये ब्लैक कलर का एक रॉड है इसे पकड़ कर आपको लटक जाना है, और एक दूसरा रॉड है रेड कलर का इसे भी पकड़ कर लटकना है, लेकिन इस रॉड में हम एक अलग से शेप दे देते हैं, इस तरह से कुछ कुछ शेप दे देते हैं, इसमें कुछ इस तरह से शेप दे देंगे, रिंग टाइप का बना दिया, सिंपल बना दिए, अब हम इस पे एक तो आदमी छोटिया को चढ़ा देते हैं, छोटिया इस पे चढ़ी हुई है, छोटिया इस पे चढ़ा हुआ है छोटिया छटुआ किस पर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा रहेगी,
बॉय गर्ल या बॉय आंसर देंगे भैया फ्रिक्शन ज्यादा किस पे लगेगा गर्ल वाले पर क्यों क्योंकि इसका शेप जो है ना शेप ये अलग कर दिया है इसका शेप में खुरदुरा है इसमें देख रहे कुछ कुछ खुरदुरा है फंस जाएगा भाई तो सारा आगे नीचे चला भाई स्लिपरी हो जाएगा तुरंत ही नीचे आएगा बगल लिया उसके चक्कर में चढ़ा है गिर के नीचे आ गया सबको समझ आ गया आप लोग को समझ आ गया ना इस पे क्या बोलते फिसलेंगे नेता कौन घुस गया बाबू मैं देश के 100 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया है नहीं नेतागिरी वाला बात यहाँ क्या करता है देश में 100 करोड़ लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तू 100 करोड़ लोग गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।